Hello everyone, this is Tanashka. I'm an UPSC aspirant. Welcome to my channel. I hope you all are doing great. I'm also good. And in this video, I'm going to tell you how to start UPSC preparation, like how to initiate, how to take that first step if you are willing to be an IS officer. So, in this video, I will be telling you. एंड प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो को इंड तक आप लोग ज़रूर देखना तभी आपको सारी चीज़ें पता चल पाएंगी तो सबसे पहला तो ये चीज़ कि आपको प्रपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए लाइक आप अगर आप ट्वेल्थ क्लास में हो या फिर अपने कॉलेज में हो तो कब करना चाहिए तो आई थिंक कॉलेज के सेकेंड ईयर से स्टार्ट आपको ज़रूर कर देना चाहिए अब बात आती है कि कैसे शुरू करें तो सबसे पहला सिलेबस सिलेबस की आप फोटोकॉपी निकलवा लो या फिर अपने पास एक पीडीएफ रखो सिलेबस का सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड अक्सर ही हम टॉपर्स टॉक टॉपर्स इंटरव्यू में सुनते ही सुनते हैं कि उन्होंने सिलेबस कहीं ना कहीं मेंशन ज़रूर किया होता है लाइक like, इंटरव्यूज़ में हमेशा बताते हैं कि हाँ सिलेबस का क्या रोल था एंड सिलेबस हमेशा ही सुनने को मिलता है तो नाउ यू कैन इमेज़िन कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है सिलेबस का पता होना चाहिए हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं किसी भी हमने स्कूलिंग की कॉलेज किया है हम एग्ज़ाम देने जाते थे, थे क्या बिना सिलेबस के जाते थे कि पूरा बुक पढ़ लिया जो आएगा दे देंगे पढ़ते थे ना सिलेबस सो सिलेबस वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाउ नेक्स्ट इज़ एन सी आर टीज ये भी हम टॉपर्स के लेक्चर में टॉपर्स के वीडियोज में टॉपर्स टॉप में हमेशा सुनते हैं दे ऑल्सो मैंशन दिस कि एन सी आर टीज जिस इज फाउंडेशन ये बेस है बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी हमेशा सुनाई चीज़ एकदम कॉमन हो गई है तो नाउ सेकेंड इज एन सी आर टिस्ट पहला तो सिलेबस दूसरा एन सी आर टिस्ट एंड अगर आपके पास टाइम है तो सिक्स टू ट्वेल्थ एन सी आर टी जरूर 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 पढ़ो एन सी आर टिस्ट का क्या है ना कि जैसे पॉलिटी है अब पॉलिटी का बेसिक तो पता हो तब तो हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे कि बेस पता नहीं कि लोकसभा राज्यसभा होता क्या है चल दिए हम लक्ष्मीकांत पढ़ने डायरेक्ट तो हमें ही प्रॉब्लम होगी और किसी को नहीं सो सिक्स टू ट्वेल्थ की एन पढ़ना बहुत ज़रूरी है तो आप ही सिक्स ट्वेल्थ के एन ज़रूर पढ़ना बिकॉज़ ये हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करती हैं एंड ये वैकेंसी मैं एन ही पढ़ रही हूँ लाइक like मैं भी एक एक्सपेरेंट हूँ मैं भी एन सी पढ़ रही हूँ एंड ये क्लास ट्वेल्थ की जोग्रफी है ह्यूमन जोग्राफी जो कि मैं लेक्चर के थ्रू कर रही हूँ एंड एक मुझे कमेंट भी आया था इसी से रिलेटेड कि दीदी परचेज तो कर लिया बुक बट समझ नहीं आता कैसे बढ़ें वो बुक बहुत बल्कि लगती है पूरा ब्लैक ब्लैक से लिखा हुआ चीज़ें समझ नहीं आता कैसे पढ़ें प्लीज़ इस पर कुछ भी कुछ बताइए सो देखो इसका भी आंसर है इसका भी सोल्यूशन है सबसे पहले तो उस बुक को आप रीड करो ठीक है रीड करो खुद से समझने की ट्राई करो बिकॉज नाउ यू आर एस्पिरेंट आंसर राइटिंग वहाँ खुद से लेके आनी है फ़ोन वोन लेके नहीं जाना है साथ में ना ही बुक लेके जाना है राइट तो आप सबसे पहले रीड करो खुद समझने का ट्राई करो एंड अगर कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं देन गो फॉर लेक्चर्स जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ मुझे कुछ टॉपिक नहीं समझ में आना था तो मैंने सर्च किया यूट्यूब पे डायरेक्ट टॉपिक का नाम इन क्लास ट्वेल्थ जोग्रफी तो वो लेक्चर आ गया जिससे देखो इन समझो एक बार आप समझ लोगे ना किसी ने समझा दिया तो वो चीज़ अच्छे से माइंड में फिक्स हो जाएगी सो so, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन सामने ही होते हैं बस बात है तो इसे हमें ढूंढने की एंड कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है ठीक है नाउ जस्ट स्टार्ट यूर प्रपरेशन अगर आपने सोचा है स्टार्ट करने का तो आप बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो सो विथ सिलेबस एंड एन सी आर ट स्टार्ट यूर प्रपरेशन एंड आई रियली रियली होप कि आप बहुत अच्छा करोगे ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड आई रियली होप की दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय है